ये दरवाजा कितना सुंदर लग रहा है ना। स्पाइडर ने ये क्रिएट किया हुआ है और इस पे पानी की ओस लग के इतना जबरदस्त लग रहा है ये। टाइम हो रहा है सुबह 7:40 पे और मैं जा रही हूँ ट्रैकिंग के लिए। और ट्रैकिंग के लिए जो रास्ता है, ट्रैकिंग जितना खूबसूरत है उससे ज़्यादा खूबसूरत उसका रास्ता है। मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। इस ट्रैक पे आगे बढ़ते बढ़ते आपको मिलेंगे इस तरीके के छोटे छोटे घर और ऐसा एक छोटा सा गांव, इसे आपको क्रॉस करना होता है। और यहाँ पे एक छोटा सा घर है और ऐसे और भी घर आएंगे। ये जो फूल आप देख रहे हैं ऐसा लगेगा जैसे कमल है वाइट वाले, लेकिन ये वाइट कमल नहीं है, ये कोई और फूल है। लेकिन जो भी है बहुत सुंदर है, बिल्कुल कमल की ही तरह। एक जो कमल की परत होती है जो येलो ग्रीन कलर की और उसके बीच में से जैसे कमल होते हैं, सेम उसी तरीके से ये वाले फूल भी हो रहे हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये छोटा सा जो पानी भर गया था उसमें ये हुआ है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये एक और घर और बिल्कुल टिपिकल गांव वाली स्टाइल का घर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और साथ में बसे बंधे हैं बहुत सारी भैंस और गाय। अगर हमें परमिशन मिलती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम किस घर में जाते हैं। गाय और भैंस से डर रही हैं, आई डोंट नो व्हाई, इन्हें शायद कैमरे से डर लगता है। ये घर और ये घर के अंदर आ गई हूँ मैं। बहुत ही खूबसूरत दरवाजा है ये। अच्छा, अभी अभी ये बात पता चली है कि ये जो बनाया हुआ है, ये आपको दिख रहा है ऊपर से पूरा नीचे तक, इसमें स्टोरेज होती है। और जो वेट और जो फ्लावर और जो भी अनाज धान कहते हैं उसका जो स्टोरेज होता है, उसका ये कंटेनर टाइप इन्होंने बनाया है। और बहुत ही इको फ्रेंडली चीज़ है ये बनाया गया है। इस टाइप की जो पारिजात एक फ्लावर आता है उसकी जो डंडियाँ होती है उसको राउंड करके बनाया है और उसके ऊपर मिट्टी का इन्होंने लेप किया है और इस लेप से बनाया गया है ये स्टोरेज कंटेनर। और इसमें बहुत सारा अनाज वगैरह भरा जाता है। तो ये एक चीज़ है, मुझे अभी अभी पता चला, इस यहाँ से ही पता चला है। और इस तरीके से ये इस तरीके के घर हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये। सुनाम दारो ज्योतिका भैया उन बका अरु नाम सु दिव्या तमारू कैलाश चंद अनु ओके थैंक यू सो मच। और यही घर के पास ये है खेत। असु वायलू छे खेत। अच्छा, ये मक्की के खेत है, अभी अभी जस्ट बोया है इन्होंने। और ये हमें परमिशन मिली है तो हम जा रहे हैं इसके पीछे वाले हिस्से पे। इस तरीके से घर है। ये पीछे वाला हिस्सा है, बहुत ही खूबसूरत है ये विलेज। और ये ज्योतिका,
Hey, hello. Hello. Can I be with you? ये डर रही है कैमरा से, ये स्पेशली ये वाली, जैसे मैं पास जाती हूँ ये कांप रही है, इसलिए मुझे नहीं लेना है उसको, उनकी डिस्टर्ब नहीं करना है। बहुत ही गायो नहीं, दूध काढ़ो तमें। अच्छा ये जो आपको दिख रहा है ये और ऑर्किड का प्लांट है, और इस पर पर्पल और येलो जो फ्लावर्स आते हैं जो आपने देखा होगा शादी वगैरह में यूज़ होते हैं और जो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं, वो यहाँ पे होते हैं इनमें। तो ये पेड़ के ऊपर प्लांट लगा है, कितनी अजीब बात है ना। ये जो है ये स्पाइडर है, स्पाइडर ने ये क्रिएट किया हुआ है और इस पर पानी की ओस लग के इतना ज़बरदस्त लग रहा है ये, ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पे, ये फिर वो आगे, फिर यहाँ पे, इस तरीके से बहुत सारे हैं, एक छोटू सा इधर पे भी है।